हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ सोयाबीन कबाब चिली, जो खाने में बहुत ही टेस्टी है। बिल्कुल चिली रेस्टोरेंट जैसे चिली की तरह मैंने बनाया है। तो फ्रेंड्स, आप खुद देख सकते हैं, बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार है। तो आज इस वीडियो में हम बनाएंगे झटपट सोयाबीन कबाब चिली। तो चलिए, आज मैं आप सबको इस वीडियो में बताती हूँ कि आप इस तरीके से घर पर कैसे बना सकते हैं बहुत ही कम चीजों में। तो चलिए, देर ना करते हुए मैं फटाफट रेसिपी को शुरू करती हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मैंने ले लिया है सोयाबीन, इसे मैंने भिगो दिया था, ये फूल चुके हैं। अब मैं इसे पीस लेती हूँ। फ्रेंड्स देख लीजिए, मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है। इसमें डाल रही हूँ मैं 1 कप बेसन, घर का पिसा हुआ शुद्ध बेसन है। मैं 1 कप बेसन डाल रही हूँ और 1 कप डाल रही हूँ मैं कॉर्नफ्लोर। तो इसे भी हम अच्छे से डालकर मिलाएंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब हम अच्छे से इसका एक डो जैसा तैयार कर लेंगे हम। चलिए, हम अच्छे तरीके से मिला लेते हैं फ्रेंड्स। अब मैं इसमें डालती हूँ स्वाद के अनुसार नमक। तो चलिए, 1/2 टेबल स्पून मैं नमक डाल रही हूँ और 1/2 टेबल स्पून में डाल रही हूँ पिसी मिर्च पाउडर। तो चलिए, अच्छे से हम इसको मिला लेंगे। तो हाथ से मैं मिला रही हूँ। देखिए, बेसन और कॉर्नफ्लोर अच्छे से मिल जाने चाहिए। देखिए, ये हमारा हो चुका है। अब 10 मिनट के लिए मैं इसे सेट होने के लिए छोड़ देती हूँ। तब तक मैं वेजिटेबल्स आपको दिखा दे रही हूँ। तो मैंने ले लिया है 1 प्याज और शिमला मिर्च, बारीक कटी हुई हरी मिर्च और स्वीट कॉर्न लिया है मैंने, उसे उबाल लिया था। तो 10 मिनट बाद मैं इसे रोल्स में बना रही हूँ। मैं देखिए, इस तरीके से मैं रोल बना रही हूँ, पतले पतले छोटे छोटे रोल्स में तैयार करूंगी। तो ये बिल्कुल इस तरीके से। तो चलिए, मैं सारे रोल्स बना लेती हूँ। तो ये हमारे इतने सारे रोल्स तैयार हैं। अब इसे हम फ्राई करेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स चलिए, अब मैं इसे फ्राई कर लेती हूँ। एक एक करके मैं सारे फ्राई करूंगी, अच्छे से गोल्डन हमें कर लेना है। तो देखिए, इजली ये निकल रहे हैं, बहुत ही अच्छे से ये फ्राई हो जाते हैं फ्रेंड्स। तो ये हमारे सारे रोल्स अच्छे से सिक जाने चाहिए फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये अच्छे तरीके से सिक चुके हैं, ये फ्राई हो चुका। अब मैं इसे चलिए निकाल लेती हूँ प्लेट में फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं, ये हमारे बिल्कुल रोल्स अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो चलिए, अब इसे साइड में करती हूँ। अब मैं छोटी से बॉल में मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून सोया सॉस और मैं डालूंगी इसमें टोमेटो केचप। 3 टेबल स्पून मैं डालती हूँ टोमेटो सॉस और इसे अच्छे से हम मिला लेंगे फ्रेंड। देख लीजिए, तो चलिए अब मैं बैठा रही हूँ पैन। इसमें डाल रही हूँ बारीक कटी हुई हरी मिर्च और अब मैं डालूंगी इसमें जो मैंने शिमला मिर्च कट कर रखा है उसे अब मैं डाल रही हूँ। तो चलिए, शिमला मिर्च मैं डाल लेती हूँ। अच्छे से इसे चलाना है, बहुत ज्यादा नहीं भुनना है फ्रेंड्स, हल्का हल्का हमें फ्राई करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, ऊपर से डाल रही हूँ मैं प्याज और इसे हम अच्छे से चलाएंगे फ्रेंड्स, हल्का कलर चेंज होने तक हम इसे भूनेंगे। तो ये देख सकते हैं, अब मैं इसमें डालती हूँ, चलिए स्वाद के अनुसार मैं नमक डाल लेती हूँ। तो ये हो चुका है। अब मैं इसमें डालती हूँ ऊपर से स्वीट कॉर्न। मैंने स्वीट कॉर्न को उबाल दिया था, बहुत ही बढ़िया। तो अब इसे हम अच्छे से चला लेंगे। ऊपर से डालती हूँ मैं सॉस जो मैंने सोया सॉस टोमेटो सॉस मिला लिया था। तो अब इसे हम अच्छे से चला लेंगे। तो देख सकते हैं, बिल्कुल इसी स्टेज पे हमें डाल रहा है मंचूरियन मसाला। तो इसे हम अच्छे से चलाएंगे फ्रेंड्स। तो देख लीजिए, मंचूरियन मसाला भी अच्छे से मिल चुका है। अब इसी स्टेज पे मैं डाल रही हूँ अपने रोल्स। मैं सोयाबीन रोल डाल रही हूँ
अब इसे अच्छे से हम चला लेंगे। रोल्स को हम अच्छे से मिला लेंगे। तो ये देखिए हमारा सोयाबीन चिली बिल्कुल देखने में भी बहुत ही बढ़िया लग रहा है, बहुत ही टेस्टी है। इस तरीके से आप जरूर ट्राई कीजिएगा। तो आप देख सकते हैं ये हमारे सोयाबीन चिली रोल बिल्कुल तैयार है। ये देखिए अब मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर दे रही हूँ और फटाफट मैं इसे सॉफ्ट कर देती हूँ फ्रेंड्स। तो ये रहा हमारा सोयाबीन चिली, बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया बनाया है मैंने। आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही हेल्दी है रेसिपी ये। आप बच्चों को खिला सकते हैं, बड़ों को खिला सकते हैं, बहुत ही हेल्दी है। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये सोयाबीन चिली कैसी लगी, और एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ फ्रेंड आप वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और आप नए हैं मेरे वीडियोस को देख रहे हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल के ग्रोथ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत 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 थैंक यू। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट नए रेसिपी में फ्रेंड्स।